सबकत मलिक है और मैं डिस्ट्रिक्ट बाणीपुरा से बिलोंग करती हूँ। बेसिकली व्हेन आई वाज स्टडिंग इन सिक्स क्लास मैंने अपनी जर्नी वहीं से स्टार्ट की इस मार्शल आर्ट में। मैं इतना बोलूँगी कि मेरा पहले से बचपन से ही पैशन था कि जब मुझे करना है तो स्पोर्ट्स में ही कुछ करना है। सो तब से मैं कंटिन्यू रही इस मार्शल आर्ट। बहुत अच्छा फील हो रहा है क्योंकि मैंने अपने डिस्ट्रिक्ट को ही नहीं अपने इंडिया को उस लेवल पर रिप्रेजेंट किया है जो मैंने आज से पहले 15 साल पहले वो ड्रीम देखा था कि जब मुझे करना है तो बहुत बड़ा करना है। तो ये मेरा ड्रीम था और मैं बहुत ज़्यादा अच्छा फील कर रही हूँ इस टाइम। घर वालों की तरफ से बहुत अच्छा सपोर्ट मिला क्योंकि बीइंग अ गर्ल आपको भी पता होगा कि एक लड़की अपने पेरेंट्स की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। पेरेंट्स का बहुत अच्छा सपोर्ट रहा तब जाके आज मैंने इतनी बड़ी अचीवमेंट हासिल की है। मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले हैं, इंटरनेशनल्स खेले हैं जस्ट बिकॉज ऑफ माई पेरेंट्स एंड माई कोच। फील्ड्स तो गेम्स तो बहुत सारी थी स्पोर्ट्स में लाइक ताइक्वांडो, वुशो। बेसिकली मैं किकबॉक्सिंग खेलती थी स्टार्टिंग पे। किकबॉक्सिंग में भी मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले, ताइक्वांडो में भी खेले, वुशोज़ में भी खेले। बट क्या था कि वहाँ पे मुझे वो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही थी जो मतलब मेरा ड्रीम था असल में। सो फिर मैंने बहुत सारे नेशनल्स खेले, मेडल्स भी निकाले बट फिर भी मैं उस स्टेज तक नहीं पहुँच पा रही थी कहीं ना कहीं। तो एक बार मेरे जो कोच है मुजफ्फर सर, उनने ये गेम जुजुत्सु लाई डिस्ट्रिक्ट बांडीपुरा में। सो फिर मैंने इसके बारे में पढ़ा कि इसका स्कोप क्या है, इसकी फेम क्या है, इसकी लेवल क्या है। सो मुझे अच्छा लगा, फिर मैंने यही गेम चूज़ की। मुश्किलात का सामना तो मुझे करना पड़ा स्टार्टिंग पे जब मैं बहुत ज़्यादा छोटी थी, लोगों की बातें भी सुनने को मिलती थी बहुत ज़्यादा। तो एक टाइम ऐसा भी आया जब मैं गिव अप करने पे रेडी थी बट मेरे जो कोच है वो मेरे घर पे आए, मुझे मोटिवेट किया कि आप में वो मतलब टैलेंट है कि आप बहुत कुछ अचीव कर सकती हो, अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा कर सकती हो। सो तब अगर मेरे कोच वहाँ पर मुझे नहीं आते मोटिवेट करने, शायद मैं आज इस लेवल पर नहीं पहुँच पाती, शायद मैं अपने इंडिया के लिए मेडल नहीं ला पाती। उनको मैं यही मैसेज दूंगी कि आप भी मतलब अगर कुछ अचीव करना चाहते हो, अपने पेरेंट्स के लिए कुछ करना चाहते हो, सो आपकी डिक्शनरी में आपकी लाइफ में वो गिव अप वाला वर्ड नहीं आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कहीं ना कहीं ऐसा फील कर रहे हो कि आप गिव अप कर रहे हो, सो मुझे नहीं लगता आप वो लेवल अचीव कर पाओगे, अपने पेरेंट्स का नाम ऊँचा कर पाओगे। अगर आप स्पोर्ट्स में हो तो स्पोर्ट्स में आए बिना डर के, क्योंकि स्पोर्ट्स में ज़रूरी नहीं आप मार्शल आर्ट चूज़ करो, बहुत सारी ऐसी गेम्स हैं जिसमें आपका फ्यूचर बन सकता है। तो आप आइए, जो आपके गोल्स हैं वो अचीव कर सकते हो। हमारी जो अकेडमी है यामिन स्पोर्ट्स एकेडमी, तो जो हमारे कोच है, हेड कोच मिस्टर मुजफ्फर सर, उनका बहुत अच्छा रोल रहा है क्योंकि एक प्लेयर अपने कोच के बगैर कुछ भी नहीं है। तो मेरे जो कोच है वो मतलब उसने बहुत ज़्यादा अच्छी मुझे अपॉर्चुनिटी दी, इंटरनेशनल लेवल तक पहुँचाया मुझे, मैं उनका बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। और जो हमारे एकेडमी के बहुत सारे बच्चे हैं, हमें 4 यूनिट्स ऑलमोस्ट चल रहे हैं, सो वहाँ पर भी बहुत सारे बच्चे हैं ट्रेन हो रहे हैं। हमारे जो बाकी इंस्ट्रक्टर है वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं अपने बच्चों पर, वो भी अच्छी लेवल पर पहुँचे। तो मतलब कोच का अच्छा रोल रहा।